Standard 12th, Biology. Hello students, welcome to the virtual live practical series of biology practicals. Practical number 24. Aim: to study plant population frequency by quadrat method. हमें quadrat method को use करके हमें frequency find out करना है. So what is the frequency? अब हमने practical number 23 में देखा कि density हम कैसे find out करते थे, कि हमारे पास total quadrats हैं, quadrats के अंदर हमें वो specific species कितने numbers में मिल रही है, जैसे कि एक quadrat में मिलती है 10, एक quadrat में मिलती है 5, तो हम उसका total कर रहे थे. लेकिन अब frequency में क्या करना है, कि frequency में हमें quadrats का total करना है, कि हमें वो species, हमारी specific species जो हम study के लिए use कर रहे हैं, वो हमें कितने quadrats में मिल रहे हैं, जैसे कि वो first quadrat में present है कि नहीं, second में present है कि नहीं, उसका total करेंगे. Now, percentage of frequency or frequency index is equal to number of sampling unit in which the species occurs upon total numbers of sampling units employed for the study. जैसे कि हमने कहा कि वो हमें total कितने quadrats में मिल रहे हैं, वो number लिखेंगे, उसको divide करेंगे total numbers of sampling unit, मतलब हमने कितने quadrats study के लिए लिए हैं. Frequency हमें always percentage में find out करने होता है. तो हम देख लेते हैं frequency का formula क्या है. Frequency का formula F is equal to N by Q into 100. Now requirements. So cotton or nylon thread, nails and hammer. हमें इन दोनों का use करके बनाना ये हमारा quadrat. But हमने already practical number 23 में कहा है कि हम ये quadrat exam hall में use नहीं कर सकते. तो हम वहाँ पे use कर रहे थे chart, और इस practical में हम use कर रहे ये हमारे 10 छोटे छोटे quadrats जिसमें हमने सिंबल से स्पीसीज को बताया हुआ है. जैसे कि ए स्पीसीज को बताया है ट्राइंगल, बी को बताया है सर्कल, और सी को बताया है हमने स्टार. सो देयर इज अ टेबल इन योर जर्नल. अब हमें क्या करना है, हमें quadrats काउंट करना है कि हमारे ए बी और सी स्पीसीज हमें कितने quadrats के अंदर मिल रही है. सो लेट्स चेक इट. सो हम पहले देखते हैं हमारी ए स्पीसीज, हमारी ए स्पीसीज हमें कितने quadrats में देखने को मिल रहे हैं. सो हमारी ए स्पीसीज देखने को मिल रही है क्वाड्रेट नंबर 1, 3, 4, 7 and 10. सो टोटल हुए 5. तो हम यहाँ पे हमारे चार्ट में लिखेंगे ए स्पीसीज के सामने 5. उसी तरह बी स्पीसीज काउंट करेंगे तो वो हमें मिल रही है 1, और सी स्पीसीज काउंट करेंगे तो हमें वो कितने क्वाड्रेट्स के अंदर मिल रही है, तो 4. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4. नाउ फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी. सो एफ इज इक्वल टू एन बाई क्यू इंटू 100. सो हमें ए स्पीसीज कितनी मिली थी, कितने क्वाड्रेट्स के अंदर देखने को मिली थी, 5 क्वाड्रेट्स के अंदर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और टोटल कितने क्वाड्रेट्स लिए थे हमने, 10. तो सो 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 50% ऑफ फ्रिक्वेंसी. वैसे हम बी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 10% मिलेगा, और सी का काउंट करेंगे तो 40% मिलेगा. है ना, एकदम ईजी.